गेंद पोते ने हासिल की है। अनिकेत पोते ने एक कमाल का स्काई डाइव लगाया था, ये तो स्लैप शॉट है प्रभु। इस थप्पड़ की गूंज यहां से लेकर मुंबई तक सुनाई देगी मुंबई खिलाड़ी को, और उसके बाद ये आप स्काई डाइव्स देखिए। सबसे बड़ी बात, कब खो देनी है, किस तरह से वजीर को बड़ी चतुराई से खो दी थी नंबर चार रंजन शेट्टी ने, और वजीर ने बड़े इत्मीनान से गजानन का सफाया किया और चार मिनट में दो बैच साफ कर दिए। अंपायर ने टच दिया है, और यही एक सूरत है जब आप अल्टीमेट खो खो में ले सकते हैं DRS, और ये टच नहीं है, ये अच्छा खासा छाप छोड़ी गई है। तो जो पावर प्ले लिया गया अभी तक तो सफल जा रहा है। अब अक्षय अकेले खिलाड़ी, यहां देखते हैं पोल को एक हाथ से होल्ड किया और दूसरे हाथ से शिकार बना लिया वहां पर। एक और बार क्लेम किया जा रहा है, एक बार फिर पोल डिफेंडर को किया बाहर। ये देखिए अपनी दिशा बदली, दुर्वेश ने बहुत शानदार स्काई डाइव लगाई और स्वैग दिखाया, क्या बात है दुर्वेश। तकरीबन तीन मिनट में दो बैच मुंबई खिलाड़ी ने साफ कर दिए आयुष, और इस बैच के हीरो रहे दुर्वेश जो टीम के वजीर हैं। तीन खिलाड़ी जो आउट हुए, तीन में से दो खिलाड़ी अकेले दुर्वेश ने आउट किए, सागर पोतदार और उसके बाद अनिकेत पोते। ये वजीर, इन्होंने जो कारनामा आज करा है ना, वो लाजवाब रहा है। अभिनंदन, किस तरह से चकाने की कोशिश करी, कभी लेफ्ट कभी राइट, और उसके बाद में अपना शिकार तय किया कि मुझे तो किसी भी कंडीशन में यहां से मैच से डिफेंडर को बाहर करना है। ये मोमेंट ऑफ द मैच है। नंबर चार रंजन शेट्टी को देखिए, इस टेक्निक को कहते हैं शोल्डर टैप, तकरीबन बैक स्लैप आप इसको बोल सकते हैं। और गुजरात का स्कोर देखिए, लगातार तीसरे मैच में गुजरात ने 50 का आंकड़ा पार किया है। ये है फुल ऑन चेज, यानी कि तीन अतिरिक्त अंक चारों के चारों बैच का सफाया करने के लिए, और अभी भी 51 मिनट शेष हैं। गुजरात जायंट्स ने इस टर्न में 12 के 12 डिफेंडर आउट कर दिए। मुबारक गुजरात जायंट्स, मुबारक संजीव शर्मा जी, लगातार तीसरी जीत है ये गुजरात जायंट्स की अल्टीमेट खो खो में।